जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं हक पर हूँ और हमसे कोई बोला कि मतलब अच्छी मैं याद करके बोलो कि तुम सही हो और मैंने कह दिया, तो क्या मैंने सिर्फ कर दिया? मैं सवाल जी, नहीं समझ सका, अच्छा पूछो और एक अभी। बार बोलिए करामत भाई, आप किसी ने कहा आपको कि आप हक पर है? तो मैंने वो बोले ना हमसे कि तुम पक्षी में हाथ करके बोलो कि तुम सही हो, अब मैंने करके बोल दिया कि हाँ हम सही हैं, तो या ये मैंने सिर्फ नहीं किया क्या? देखिए, हाथ नहीं, देखिए उनका सवाल असल में कसम खाने के बारे में है। जी, कसम जैसे मुराद है कोई बोलते हैं। कसम जो है, जैसे किसी मसले में जब हमारी कोई तस्दीक नहीं कर रहा होता है तो उसको यकीन दिलाने के लिए कसम हम खाते हैं। तो जी उनका सवाल ये है कि क्या हम पश्चिम हाथ करके उसको यकीन दिला सकते हैं कि हम हक पर हैं या जो हम कह रहे हैं वो सही है? देखिए, हमारी शरीयत में किसी चीज की ताकीद के लिए कसम जो है मशरू है, कसम खाना। और पश्चिम तरफ हाथ उठाना ये कसम नहीं है, कसम मुंह से खाया जाता है। जी पश्चिम तरफ हाथ उठाना ये कसम नहीं है। आप कसम खा करके बताइए, अल्लाह की कसम या जो भी सेगा आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बहुत सारे जायज सेगे हो सकते हैं, या जैसे कुरान है, अल्लाह का कलाम है, आप उसकी कसम भी खा सकते हैं। तो हाथ उठाना ये कसम नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुंह से कसम खाना है आपको, जी लेकिन ये कहना ये शिर्क है, नहीं शिर्क नहीं है। हाँ, हम ये कहेंगे ये साबित नहीं है, ये शरई तरीका नहीं है, लेकिन इसमें शिर्क जैसी कोई बात नहीं है।